अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी उम्दा जगह पे आए आज हम लोग डिनर के लिए। बरेली उत्तर प्रदेश में हम लोग आए हुए आकिब भाई के साथ में एट यादगार रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल। अस्सलामुअलैकुम। तो आपने कसम खाई है कि अच्छे से अच्छी जगह पे खिलाएंगे हमको। नहीं भाई, हमारे मेहमान नवाज़ वाह, कुछ भी नहीं कर पा रहा। हमने दीपक में खाया जो कि बहुत, ये तो फैन हो गए भाई। जो आदमी ने अपनी जिंदगी में वेज नहीं खाया था वो आज वेज फूड का दीवाना हो गया। बात क्या है, और आप तो इस बात के गवाह हो कि उसके बाद इनको भूख भी नहीं लग रही है। भूख ही लगी थी इतना मैंने, मतलब शेर ने घास से पेट भर लिया आज। जी क्या कर रहे हैं, वो वेज अच्छा लग रहा है। सही है। और आज हम लोग जा रहे हैं यादगार रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोग डिनर करने वाले हैं। ये सबसे फेमस रेस्टोरेंट है बरेली का, और इसके दो ब्रांचेस हैं। ये अभी अभी खुला है, बड़ा वाला है ये। जी जी। किसी को अच्छे से डाइन करना है वगैरह तो ये है, और एक इनका पुराना वाला है। जी जी, सैलानी में जहाँ हमारा घर, जो कि ओल्ड कल्चर। अगर वहाँ से गुजरना हुआ तो बाहर से दिखा देंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आज का वीडियो है नाइट इन बरेली, घूमेंगे फिरेंगे और लोगों को सैर कराएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों, आने वाले टाइम में आकिब भाई की पूरी सीरीज आएगी। मैं ये आदमियों को नाम देना चाहता हूँ। एक ऐसा आदमी है जो कितनी ब्रीड्स में काम कर रहा है, तो इनका नाम होना चाहिए बकरेबाजी के ऑलराउंडर। किंग तो बहुत हो गए, अब ये ऑलराउंडर है माशाल्लाह। आकिब भाई ऑलराउंडर है। सही है। एक तो खड़े हैं हमारे गुजरी किंग, जयपुर किंग। सही है। तो आइए सफर स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह मजा आएगा। ये हमारी सवारी है, दो हमारे कैब भाई हैं, मैं इनके साथ बैठूंगा इंशाल्लाह। चलेंगे कैब भाई, चलिए आइए। तो जहाँ पर हमने खाना खाया उन्हीं का है यादगार फूड। ये देखो एकदम ओल्ड स्टाइल है ना। और सामने जो दरगाह है वो दरगाह नहीं, मस्जिद है। सलाम मस्जिद, मस्जिद खाली किया। ये पहली दुकान है पापे की, बेकरी। दिल्ली वाले भाई है ना। यहाँ रेस हो रही है रिक्शा वालों की। ये कलेक्शन निवास महल हो रही है। निवास महल, ये आकिब भाई की दुकान। ये निहारी वाले, ये निहारी वाले हैं यहाँ पर, पुरानी निहारी। सैलानी, ये सैलानी है ये एरिया का नाम। खाने पीने में काफ़ी फेमस। आप अगर बरेली आ रहे हैं तो आप सैलानी ज़रूर आएँ। यहाँ का जूस सेंटर, और हर तरफ रौनक ही रौनक। ऐसा लग रहा है कि आप भिंडी बाज़ार में आ गए हैं। बिल्कुल वही वाली फीलिंग। ये कबाब कॉर्नर, वाह, ताज कबाब कॉर्नर। फालूदा। सैलानी से गुजरते हुए दोस्तों हम लोग, काफ़ी ज़ायरीन भी आए हैं पूरे हिंदुस्तान से। उर्स के चलते हुए काफ़ी सैलानी आपको देखने मिलेंगे सैलानी में, है ना। सैलानी में आपको सैलानी देखने मिलेंगे ज़ायरीन। खाने का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, अब खाने का अब शुरू होगा, पीछे क्या था फिर? वो भी था, अब यहाँ से ये शुरू हुआ है। दोस्तों अनबिलीवेबल। क्या बात है, जबरदस्त। रात के कुछ 11 बज रहे हैं, 11:30। चहल पहल देख सकते हो आप बरेली की। ये हमेशा होता है कि उरूस है इसके लिए हो रहा है? नहीं, ये हमेशा रहता है। जहाँ अपना एरिया होगा तो रौनक तो होगी। खंतिया साजरिया मस्जिद,
बहुत जोरदार एरिया है दोस्तों, सैलानी जरूर विजिट करें आप। जलेबी बन रही है, हलवा पराठा, दिन में तो एक पूरा मार्केट होता होगा भाई। ये है गल्ला मंडी। क्यों ऐसा गल्ला? मतलब जैसे यहाँ मतलब घर गृहस्थी की सारी चीजें मिलती है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स गल्ला मंडी। एक और मस्जिद से गुजरते हुए हम लोग एक और कबाब कॉर्नर तेजियन कबाब कॉर्नर। पूरा मार्केट एरिया बरेली का और पूरे जायरीन जा रहे दरगाह की तरफ। सब पैदल दिखेंगे आपको जायरीन जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। यहाँ की गर्दी क्यों भाई? यहाँ से चार रास्ते कटते हैं, चार रास्ते कटते हैं यहाँ से। एक वोल्टेज, एक जंक्शन। हम कौन सी तरफ जा रहे हैं अभी? हम लोग ये जा रहे हैं रोडवेज की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रोडवेज। अच्छा, दरगाह का भी यही रास्ता है जी। ओके, तो दोस्तों जायरीन जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बरेली घूमने का अपना ही मज़ा है बाइक के ऊपर। कार में इतना मज़ा नहीं आएगा ना कैब पर? कार में सब कुछ दिख नहीं पाएगा। बाइक पे आप कहीं भी रुक सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। और जायरीन की आप देखो, आप जगह आ गई है। मैं बात देख रहा हूँ, काफ़ी यंग लोग आए हैं। यंग और सब हर तरीके के आपको मिलेंगे। मेरे को लगता है आज रात बरेली सोएगा नहीं। आज एक पुल और है ना रात में। अच्छा, फातिया होगी। पुलिस का भी भारी बंदोबस्त। ये आ गया साहब आपका काली वाली पुलिस, पूरी जीप भर के आई है, सॉरी ट्रक भर के। शायद संदल भी जा रहा है आगे। शकील भाई बैठे हुए देख सकते हैं आप, थोड़ा आगे लीजिए। शकील भाई हो जाए, एक हो जाए। वाह यार, रसूल अल्लाह, जबरदस्त। शकील भाई सरकार के आशिक हैं। सरकार के आशिक के क्या बात है, अभी चलेंगे यार। अभी पान खाएंगे हम लोग, पान खाएंगे लिमका 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 नींबू मसाले के साथ। ओहो, मज़ा आ गया। ये हमारा नगर निगम, ये नगर निगम ऑफ बरेली। बरेली स्मार्ट सिटी है भाई, सुभान अल्लाह।
अच्छा प्रियंका चोपड़ा जी यहीं की हैं। ये भी एजाज हासिल है। वाह क्या बात है, ये एजाज हासिल है बरेली वालों को। अच्छा बरेली का झुमका इतना फेमस क्यों है? बरेली के बाजार में गिरा था। हाँ किसका? प्रियंका चोपड़ा का। हम आ चुके हैं चौरसिया पान भंडार पे। शकील भाई चौरसिया पान भंडार पे आपका स्वागत है। लकीर मीठा नहीं जर्दे ज़्यादा मीठा पड़ता है। अखिल भाई सबसे पहले आप क्या ट्राई कर रहे हैं? नींबू नींबू लिमका। आपका चेहरा बहुत देखने लायक था, एक सिप और मारे और सेम इम्प्रेशन सेम। तो ये यहाँ की फेमस एक ड्रिंक है, इसको बोलते हैं नींबू लिमका और इसमें पुदीना भी डलता है, पुदीना नींबू मसाला। तो जिसको आना है आ सकता है चौरसिया पान भंडार पे, जहाँ पर ये सारी चीज़ें और एक से एक पान भी मिलते हैं। चलिए मैं भी इंजॉय करता हूँ, आप लोग भी ड्रिंक इंजॉय कीजिए।